हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितीश चंद्रा आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक बार फिर करंट अफेयर्स की इस विशेष कड़ी में। और करंट अफेयर्स में हम लोग आज कौन क्या कहाँ पर के टॉपिक को लेकर के टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग विश्व के प्रमुख देश, उसकी राजधानी, मुद्रा, संसद तथा उसके राष्ट्र प्रमुख के बारे में देखने वाले हैं। तो ये पुस्तक रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स की पुस्तक है, और उसी से हम लोग यह डिस्कशन कर रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि इसमें यह जो टॉपिक दिया गया है, देश, राजधानी, संसद, मुद्रा और राष्ट्राध्यक्ष की सूची या राष्ट्र प्रमुख की सूची जो दी गई है, यह कॉन्टिनेंट वाइज यानी महादेश वाइज करके बांट करके दिया गया, ताकि आपको कई प्रकार के कन्फ्यूजन से निजात हो सके। यानी कौन सा देश किस महाद्वीप में है, यह कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट। कुछ महत्वपूर्ण देश हैं हमारे पास एशिया के और अफ्रीका के। आज हम लोग इन्हीं दो महाद्वीपों पर बात करेंगे। शेष महाद्वीप जो होंगे वो छोटे छोटे होंगे, और बहुत ज़्यादा वह महत्वपूर्ण जो जो देश होंगे बहुत सारे कम ही देश होंगे। यानी जितना हम लोग केवल एशिया और अफ्रीका में बात करेंगे, उतने देश में हम लोग अगले चार महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं, उतने ही देशों को, चार महाद्वीपों के। और आप जानते हैं कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है, इसलिए इसके सबसे अधिक देशों की गणना। और चूंकि हमारा महाद्वीप भारत एशिया महाद्वीप में है, तो एशिया के बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना हमारा दायित्व है। और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से अक्सर पूछे भी जाते हैं, तो इससे बाहर अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग उसके भी महत्वपूर्ण देशों को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग भारत की राजधानी के बारे में। आप सभी को पता होगा दिल्ली है। मुद्रा क्या है? तो रुपया है। पार्लियामेंट, संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट है। राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ पहले बदलाव इस महीने के क्या हुए हैं। सबसे पहले देखिएगा ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा यहाँ का ये काफ़ी अहम है। ईरान की मुद्रा, पहले आप दिनार वगैरह पढ़ते होंगे, तो ईरान की मुद्रा का नाम बदल दिया गया है, और अब ईरान की मुद्रा को क्या बोलते हैं? तोमन बोलते हैं। ईरान की संसद का नाम मजलिस है, और ईरान के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? इब्राहिम रईसी। कौन? इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे देखिएगा, कुछ प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो ये कहाँ के? म्यांमार के। आप सभी को पता होगा कि जनवरी फरवरी 2021 में, यानी इस वर्ष के शुरुआत में ही, मिन आंग हलेंग जो वहाँ के म्यांमार के कौन थे, सेना प्रमुख थे, उसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुनी गई सरकार को सैन्य ताकत के बदौलत हटाकर क्या किया? तख्ता पलट कर दिया। और अब वे औपचारिक रूप से म्यांमार के प्रधानमंत्री के रूप में खुद को नामित कर चुके हैं, और वे म्यांमार के इस वक्त प्रधानमंत्री हुए हैं। तो म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के तौर पर कौन हुए बने हैं नए प्रधानमंत्री? मिन आंग हलेंग, ये म्यांमार के सेना प्रमुख हैं, और ये सैन्य शासन है, ये ध्यान रखिएगा। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। मुद्रा क्या है? रिंगरिट है। संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा है। अब्दुल नजीब अब्दुल रजाक यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और इस्माइल साबरी याकूब, इस्माइल साबरी याकूब क्या है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये तीन प्रमुख नियुक्तियाँ थी। और एक और नियुक्ति देखिएगा एशिया में ही, लेबनान। लेबनान के बारे में हमने पहले भी आपको बताया कि नजीब मिकाती के बारे में हम आपको बता चुके थे कि ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं पिछले ही वर्ष, जब अमोनियम नाइट्रेट के कारण लेबनान की राजधानी बेरूत में विस्फोट हुआ था। उसके पश्चात ही काफ़ी वहाँ विस्फोट हुआ था, जिसके कारण कि काफ़ी नुकसान हुआ था उस शहर को, और इसी की जिम्मेवारी लेते हुए सरकार ने पूरे मंत्रिपरिषद सहित इस्तीफा दे दिया था। उसके पश्चात नजीब मिकाती, कई बार सरकारें बनी, कई सरकारें पुनः गिरी, उसके पश्चात अभी फिलहाल फिर नजीब मिकाती क्या बने हैं? तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आइए हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण, इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है हमारे लिए। तो देश और राजधानी, देश, राजधानी और उसकी मुद्रा जरूरी है। तो हम लोग शुरू से देख लेते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया है। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोट्टे, मुद्रा रुपया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया है, नेपाली रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, रुपया है। बांग्लादेश की ढाका, मुद्रा रुपया है। सऊदी अरब रियाद, रियाल है मुद्रा। भूटान की राजधानी थिम्पू, नगुल्ट्रम, मुद्रा है। और
आगे हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में भी एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ आपको अशरफ गनी राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं, ये अब राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ तालिबानियों का क्या हो चुका है, तालिबानियों का ने कब्जा कर लिया है, और अब जा करके वैधानिक रूप से इसी महीने सितंबर में तालिबानियों ने सरकार का गठन किया है। तो ये 31 अगस्त तक की अपडेटेड बुक है, इसलिए इसमें आपको नाम अशरफ गनी का दिख रहा है। तो अफगानिस्तान अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर आगामी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा क्या है, तो अफगानी है, और संसद का नाम क्या है, शोरा है। चलिए आगे देखिएगा, कजाकिस्तान, नूर सुल्तान इसकी राजधानी है, टेंगे मुद्रा है, और मजलिस संसद का नाम है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, मुद्रा सोमोनी है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। आगे ताइवान की राजधानी ताइपे है, मुद्रा क्या है, तो डॉलर है। आगे देखिएगा ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा तोमन है, संसद का नाम मजलिस है। महत्वपूर्ण संसद जो होंगे वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। इराक की राजधानी बगदाद है, और मुद्रा क्या है, इराकी दिनार है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा क्या है, वॉन है। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा क्या, डांग है। इजराइल की राजधानी क्या, यरूशलम, और मुद्रा न्यू सेकेल है। जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान है, मुद्रा जॉर्डियन दिनार है। म्यांमार की राजधानी नेपैताब है, मुद्रा क्यात है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा रिंगरिट है, और संसद का नाम इसका याद रखिएगा, दीवान निगारा है। अगला देखिएगा फिलीपींस, फिलीपींस के बारे में देखिएगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और मुद्रा पीसो है। यमन की राजधानी साना है, मुद्रा रियाल है। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है, मुद्रा रियल है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा बहत है। आगे देखिएगा संयुक्त अरब अमीरात जिसको UAE भी कहते हैं, इसकी राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम है, और संसद का नाम इसका कांग्रेस है, याद रखिएगा। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, मुद्रा डॉलर है, और संसद का नाम संसद है। कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा रियाल है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मुद्रा रुपया है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, मुद्रा तुगरिक है। ओमान की राजधानी मस्कट है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, और इसकी मुद्रा पाउंड है, ये आप ध्यान रखेंगे। आइए आप लोग देखते हैं अब अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश और उसकी राजधानी के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में याद रखिएगा, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप के जो प्रमुखतम देश हैं जो भारत में पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, राजधानी राज्य राजधानी मुद्रा इत्यादि के दृष्टिकोण से, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, और मॉरिशियन रुपया इसकी मुद्रा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। इजिप्शियन पाउंड इसकी इजिप्टियन, इजिप्ट का मतलब ही होता है अंग्रेजी, मिस्र का अंग्रेजी ही इजिप्ट होता है, तो इजिप्टियन क्या है, पाउंड है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, मुद्रा सीलिंग है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, मुद्रा सीलिंग है। लीबिया की राजधानी हून त्रिपोली जिसको कहते हैं, मुद्रा दिनार है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, प्रिटोरिया है, मुद्रा रेंड है। अगला देखिएगा सूडान, सूडान एक देश है, इससे 2011 में एक देश अलग हुआ था, दक्षिणी सूडान। तो केवल सूडान बोले तो सूडान की राजधानी खार्तूम, मुद्रा पाउंड है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया, मुद्रा रुपया है। आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या, यामू सुक्रो है, और ये अफ्रीकी देश है, महत्वपूर्ण देश है, और यामू सुक्रो के बारे में याद रखिएगा इसकी ठीक है। चलिए ये आपके अफ्रीकी देश के महत्वपूर्ण देश, उसकी राजधानी और मुद्रा तथा संसद की सूची थी। आज कल हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपको प्रतिदिन रात में सोते समय लगभग मैं वीडियो देता हूँ, ताकि सोने से पहले आप करंट अफेयर्स का एक टॉपिक एटलीस्ट आप रिवाइज कर लें। और प्रतिदिन मैं आपको सुबह 7:30 बजे NTPC CBT 1 के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2021 में, उन प्रश्नों के GS सेक्शन का सेट वाइज डिस्कशन करवाता हूँ। अभी हमने दिसंबर के 29 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट तक के क्वेश्चन का डिस्कशंस कर लिया है, यानी शुरू के 3 सेट का, और ये डिस्कशन मैं करवा रहा हूँ रुक्मिणी प्रकाशन की जो क्वेश्चन बैंक पुस्तक आई है उससे। तो कल हम लोग बात करेंगे एशिया और अफ्रीका, आज हो ही चुके हैं, कल हम लोग बात करेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप के बारे में, तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश और उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा और उसकी संसद के बारे में, क्योंकि ये सभी छोटे छोटे महाद्वीप हैं, और इन सभी में देशों की संख्या भी एशिया के बनस्पत कम है, और इसकी महत्ता भी भारतीय एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं उसमें थोड़ी सी कम है। तो इसको हम लोग कल समाप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग पुरस्कार और सम्मान के टॉपिक को शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि
कि चंद्रा ट्रिकी जीएस नामक टेलीग्राम चैनल है हमारा, चंद्रा ट्रिकी जीएस। इस टेलीग्राम चैनल से आप एनटीपीसी के जो CBT 1 के क्वेश्चंस हैं उसके रुक्मिणी प्रकाशन के डिस्कशन सहित सेट वाइज PDF प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।